टेक्नोलॉजी के इस डिजिटल युग में हमारे पास ऐसे काउंटलेस गैजेट्स हैं जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इन सब गैजेट्स का एक ऐसा हीरो है जिसे हम शायद रोज़ाना ओवरलुक करते हैं, USB। आज हम इस छोटी सी इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे जिसने कनेक्टिविटी के मैदान में एक रेवोल्यूशन ला दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोग्लेंस और आज हम जानेंगे कैसे USB टाइप्स इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम बल्की बिगनिंग्स टू द स्लीक एंड पावरफुल कनेक्टर्स वी यूज टूडे। चलिए शुरुआत करते हैं 1996 से, जब दुनिया ने पहली बार USB टाइप ए कनेक्टर देखा। ये वो टाइम था जब कंप्यूटिंग दुनिया में केओस होता था। हर एक डिवाइस के लिए अलग कनेक्टर, अलग पोर्ट्स और एक बेचैनी भरा एक्सपीरियंस। तब आया USB टाइप ए, जो रेक्टेंगुलर शेप में था और काफ़ी बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिज़ाइन के साथ आया। इसने कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स और स्टोरेज डिवाइसेस को एक ही स्टैंडर्ड पोर्ट के साथ कनेक्ट करना पॉसिबल बनाया। लेकिन एक चैलेंज ये था कि आपको हमेशा प्लग को सही साइड से इंसर्ट करना पड़ता था, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं था। जब बात लार्जर डिवाइसेस की आई तो ज़रूरत हुई एक नए डिज़ाइन की जो रोबस्ट हो और गलत पोर्ट में ना घुसे, और तब इंट्रोड्यूस हुआ USB टाइप बी। ये स्क्वायर या ट्रेपेजॉइड शेप का था और मोस्टली प्रिंटर्स, स्कैनर्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसे डिवाइसेस में यूज़ होता था। टाइप बी ने अपनी जगह बनाई एज अ रिलायबल हैवी ड्यूटी कनेक्टर जो स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए टेलर मेड था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने अपने पांव मोबाइल दुनिया में बढ़ाए, वैसे वैसे छोटे और कॉम्पैक्ट कनेक्टर्स की डिमांड बढ़ गई। मिनी USB 2000s के अर्ली ईयर्स में आया, जो डिजिटल कैमरास और MP3 प्लेयर्स में यूज़ होता था। इसका डिज़ाइन छोटा था लेकिन अभी भी सॉलिड था। इसके बाद माइक्रो USB ने एंट्री की, जो मिनी USB से और भी छोटा था। माइक्रो USB स्मार्टफोन्स का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड बनाया मोबाइल चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन इसकी एक बड़ी लिमिटेशन थी, ये भी रिवर्सिबल नहीं था, यानी आपको प्लग करने से पहले डायरेक्शन चेक करना पड़ता था। आपने सुना होगा USB ऑन द गो, यानी USB OTG के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो माइक्रो USB के साथ ही पॉपुलर हुआ। इस फीचर ने मोबाइल डिवाइसेस को एज अ होस्ट काम करने की एबिलिटी दी, यानी आप अपने स्मार्टफोन से डायरेक्टली पेन ड्राइव, कीबोर्ड या माउस कनेक्ट कर सकते थे। ये मोबिलिटी और फंक्शनैलिटी का एक बड़ा स्टेप था। लेकिन 2014 में जब USB टाइप सी लॉन्च हुआ, तब USB का एवोल्यूशन अपनी पीक पर पहुंच गया। टाइप सी कनेक्टर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक स्लीक, कॉम्पैक्ट और रिवर्सिबल डिज़ाइन, जिसमें चाहे आप कनेक्टर किसी भी डायरेक्शन में प्लग इन करें, ये काम करेगा। और ये तो बस शुरुआत थी। टाइप सी के साथ आया हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र अप टू 10 GBPS और पावर डिलीवरी कैपेबिलिटी, जो लैपटॉप्स तक को चार्ज करने में कैपेबल है। टाइप सी का यूनिवर्सल नेचर, जो एक ही पोर्ट से डेटा, पावर और वीडियो आउटपुट डिलीवर कर सकता है, इसको आज के मॉडर्न गैजेट्स का एसेंशियल पार्ट बना देता है। टाइप सी के फ्रेमवर्क पर ही एक और एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई है, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट 3 और थंडरबोल्ट 4, जो USB टाइप सी पोर्ट्स के थ्रू यूज़ होती है, वो 40 GBPS तक की ब्लेजिंग फास्ट स्पीड ऑफर करती है। इसका मतलब है कि आप 4K या इवन 8K वीडियो आउटपुट देख सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही मल्टीपल मॉनिटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ एक ही टाइप सी पोर्ट से। अब बात करते हैं फ्यूचर के USB टाइप्स की। आने वाले दिनों में हमें और भी एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक USB टाइप्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे वायरलेस USB, जो केबल्स का यूज़ किए बिना डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग का काम करेगा, या फिर फ्लेक्सिबल USB कनेक्टर्स जो किसी भी शेप में बेंड होकर फिट हो जाएं। ये कॉन्सेप्ट्स अभी डेवलपमेंट फेज़ में हैं, लेकिन इनका पोटेंशियल बहुत ही एक्साइटिंग है। दोस्तों, USB का सफ़र एक अमेजिंग जर्नी है, फ्रॉम बल्की कनेक्टर्स टू स्लीक, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा वर्सेटाइल पार्ट्स, जो आज हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। हर एक नए USB टाइप के साथ हमारे गैजेट्स और एफिशिएंट, फास्ट और यूज़र फ्रेंडली बनते गए हैं। तो आपके गैजेट्स में कौन से USB टाइप्स हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहेंगे।